यूनिक न्यू भारती पब्लिकेशन के इस यूट्यूब चैनल पे मैं मुकेश सर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। हम लोग पिछले दिन स्क्वायर रूट का क्लास शुरू किए थे, जिसमें स्क्वायर रूट का पार्ट वन सेक्शन देखे थे और आज हम लोग स्क्वायर रूट का पार्ट टू पे काम करेंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था कि गुणनखंड विधि से वर्गमूल कैसे निकाला जाता है, भाग विधि से वर्गमूल कैसे निकाला जाता है और फिर देखे थे दशमलव संख्याओं का वर्गमूल कैसे निकालते हैं, वहाँ से काम शुरू किए थे। लेकिन पिछले क्लास में जो डेसिमल संख्याओं में काम सीखे थे वो केवल वैसी संख्याओं का वर्गमूल निकालना सीखे थे जिसमें दशमलव बिंदु के बाद दो अंक रहता था, चार अंक होता था, छः अंक होता था, आठ अंक होता था, यानी डेसिमल के बाद नंबर ऑफ डिजिट इवन में होता था। तो इवन वाले का काम हम लोग सीखे थे पिछले क्लास में। जैसे पिछले क्लास में हम लोगों ने सीखा था कि यदि 0.09 रहे तो उसका स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे, यदि 0.0225 रहे तो इसका वर्गमूल कैसे निकाला जाएगा, ऐसा चीज़ हम लोगों ने देखा था। तो इसके लिए सीखे थे कि जैसे ही दो अंक रहा, चार अंक रहा, छः अंक रहा, आठ अंक रहा, तो संख्या का वर्गमूल निकाल लेते हैं और डेसिमल के राइट साइड में जितना डिजिट होता है उसका आधा करते हैं और आधा में जो भी आधा होता है उसका उतना अंक पहले डेसिमल डाल लेते हैं। जैसे यहाँ 9 का वर्गमूल निकालते हैं 3, यहाँ 2 है, 2 का आधा 1 हो गया तो 1 अंक पहले डेसिमल डाल लिए, आंसर हो गया 0.3। और ये था 225, इसका वर्गमूल है 15, यहाँ है 4 अंक तो इसका आधा करेंगे तो 2 अंक होगा तो आंसर लिखते थे 0.15। यहाँ तक का काम हम लोग पिछले क्लास में सीखे थे। तो जब 2 अंक रहता है, 4 अंक रहता है, 6 अंक रहता है, 8 अंक रहता है तो काम आपके लिए ज़्यादा आसान होता है और इसलिए वो थोड़ा कम इम्पॉर्टेंट होता है आपके एग्जामिनेशन के लिए। आपके एग्जामिनेशन में अक्सर क्वेश्चन इस रूप का मिलेगा जैसा आप यहाँ देख रहे हैं, डेसिमल के बाद 1 अंक रहेगा, 3 अंक रहेगा, 5 अंक रहेगा, नॉर्मली आपको 1 अंक वाला ही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पहले हम एक चीज़ आपको एक टेक्निक बताते हैं कि बिना काम किए आप कैसे उस संख्या का आंसर टिक आउट कर सकते हैं अपने ऑप्शन में, वो पहले आपको बतलाते हैं। जैसे यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है 0.9 का रूट है, यदि इसका वर्गमूल हमको चाहिए और सपोज करें हमारे पास ये ऑप्शन रहता कि पहला ऑप्शन दे दिए 0.3, दूसरा ऑप्शन दे दिए 0.03, तीसरा ऑप्शन दे दिए मान लीजिए 0.81 और एक ऑप्शन आपको दिए हुए हैं 0.94, और अगर इसमें से सेलेक्ट करने के लिए कहा जाए कि इसका आंसर क्या हो सकता है और हम काम करना अगर नहीं चाहें तो कैसे आंसर लिखेंगे, पहले इन चीज़ों को सीखते हैं, देखते हैं। इसके लिए केवल एक काम आपको करना है। पहला चीज़ याद रखना है, किसी भी डेसिमल संख्या का जो स्क्वायर रूट होगा वो ऑलवेज संख्या से छोटा होगा। दशमलव संख्याओं का वर्गमूल संख्याओं से हमेशा कम होता है, छोटा होता है, स्मॉल होता है। तो 0.9 का अगर वर्गमूल, सॉरी 0.9 का वर्गमूल निकालेंगे तो दशमलव संख्याओं का जो वर्गमूल होगा वो हमेशा ये संख्या छोटा होगा और वर्गमूल जो होगा वो उससे बड़ा होगा। तो 0.9 का अगर यहाँ देखिए स्क्वायर रूट क्या लिखा हुआ है 0.3, तो ये इससे छोटा हो गया तो ये इसका आंसर नहीं हो सकता, वर्गमूल जब भी होगा तो बड़ा हो जाएगा। तो 0.9 से चूंकि ये छोटा है, ये भी छोटा है, ये भी छोटा है, तो ये सब आंसर नहीं हो सकता है। तो वर्ग संख्या छोटा होता है, वर्गमूल का मान बड़ा होता है, तो 0.9 का वर्गमूल जब भी होगा तो संख्या से बड़ा हो जाएगा। दशमलव संख्याओं के वर्गमूल का मान हमेशा दशमलव संख्या से अधिक होता है, ज़्यादा होता है, इस रूप से आपको ध्यान में रखना है। तो अगर यहाँ हम लोग देखें तो 0.9 का वर्गमूल देखें क्या है 0.94 जो है 0.9 की अपेक्षा देखिए क्या होता है ग्रेटर होता है, 0.94 जो है 0.9 से ग्रेटर होता है और जो ग्रेटर होगा वही उसका आंसर होगा। तो ऑप्शन यदि आपके पास है तो आप डायरेक्ट वैसे काम कर सकते हैं, लेकिन सपोज करें हमको ऑप्शन पे नहीं भी नज़र है तो भी ऐसे क्वेश्चन को आसानी से बनाया जा सकता है। उसके लिए क्या काम करेंगे वो चीज़ केवल सोचना है। यहाँ जैसे ही एक अंक देखें तो उसको दो अंक बना लेना है और डेसिमल संख्या में दो अंक बनाने के लिए क्या करते हैं आप जीरो लगाते हैं। तो यहाँ अगर 9 है, 9 पे जीरो डाल देंगे तो देखिए क्या बन जाएगा 90 बन जाएगा, 90 बनेगा। आप केवल यहाँ से सोचें कि अगर इसका हम वर्गमूल निकालेंगे तो सबसे पहले किससे भाग लगाएंगे, भाग विधि से वर्गमूल आप कोई भी संख्या का निकाल सकते हैं। तो भाग विधि से अगर वर्गमूल निकालते हैं तो देखिए किससे भाग लगाया जाएगा यहाँ 9 से,
यहाँ 9 × 9 = 81 आता है, यहाँ 9 होता है, देखिए यानी इसका जो आंसर आएगा आंसर में भी डेसिमल के बाद पहला डिजिट जो होगा वो 9 होगा। तो डायरेक्ट इस रूप से भी ऑप्शन से काम किया जा सकता है। हम आपको डिटेल यहाँ वैसे बताएंगे अभी, उस पर हम लोग अब काम कर रहे हैं, लेकिन ये अगर केवल आप ध्यान में रखते हैं कि दशमलव संख्याओं का वर्गमूल का मान संख्या से बड़ा होता है तो वहाँ से आप इसका आंसर ऑप्शन से सेलेक्ट करके लिख सकते हैं। आइए यहाँ अगर हम लोग देखें तो क्या चीज़ सीख रहे थे कि डेसिमल के बाद सबसे पहला काम क्या करना है, हम लोगों को जोड़ा पेयर में डिजिट को ले लेना है। अगर एक अंक है तो 2 अंक बना लिए, 3 अंक रहेगा 4 अंक बना लेंगे, 5 अंक रहेगा तो 6 अंक बना लेंगे। अब इसका मान निकालना है, इसको अगर और थोड़ा बेहतर तरीके से समझें तो इसको आप फ्रैक्शन कर लें, वैसे ज़रूरत नहीं है इसका, आप डायरेक्ट पॉइंट पे भी काम कर सकते हैं, लेकिन आप इस तरीके से ज़्यादा बेहतर समझेंगे। अब यहाँ हम लोग देखें तो 100 है, 100 का वर्गमूल तो पता है 10 होता है, तो वर्गमूल जो निकालना है वो किसका निकालना है, 90 का निकालना है। तो 90 का यदि आप वर्गमूल निकालेंगे तो ये देखिए डेसिमल के बाद 1 अंक तक 2 अंक तक जहाँ तक आपका ऑप्शन रहेगा उस रूप से आप काम कर लेंगे। यहाँ देखिए 9 आ गया, पॉइंट डालते हैं, ये पिछले क्लास में चीज़ आप सीखे थे, 9 × 9 = 18 होगा। अब अगर भाग लगाएंगे तो 4 से लगाएंगे तो यहाँ 9.4 आया। तो इसे √90 के बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं, 9.4 लिख सकते हैं। और तब अगर इसका आंसर देखा जाए तो नीचे एक पर एक जीरो अगर है तो ऊपर का डेसिमल एक लेफ्ट हो जाएगा, तो आंसर जो आएगा वो क्या आ जाएगा, 0.94, यही आपका आंसर हो गया। अगर 2 अंक तक है तो, यदि 3 अंक निकालना है 4 अंक निकालना है तो इस प्रक्रिया को, ये आपको पता है कि 90 का एक्यूरेट रिजल्ट निकालेगा नहीं, वो तो अप्रॉक्स में निकालना है, आप 2 अंक तक निकाले 3 अंक जैसा ही ऑप्शन रहेगा। एक और स्टेप करना होता तो फिर यहाँ के बाद आगे बढ़ते और यहाँ 1 अंक और काम कर लेते, हमको 5 अंक चाहिए तो और इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाते जाते आंसर आ जाता। आपके आंसर में ऑप्शन में 2 अंक ज़्यादा से ज़्यादा कभी कभी 3 अंकों का प्रयोग होता है, तो जिस प्रकार का ऑप्शन रहेगा उसके अनुसार यहाँ काम करेंगे। ज़्यादातर क्वेश्चन में लेकिन मौखिक इसका आंसर आप लिख सकते हैं, जैसे इस दूसरे क्वेश्चन में अगर देखें पॉइंट के बाद क्या है 4, जैसे ही पॉइंट के बाद 4 देखे 1 जीरो डाल लिए तो आ गया कितना 40, 40। केवल ये सोचना है कि 40 का अगर वर्गमूल निकालेंगे तो भाग किससे लगाना है, 6 से, 6 से, 6 × 6 = 36 होता है, 7 × 7 = 49 होता है। तो इसका आंसर जब भी होगा तो पॉइंट के बाद पहला डिजिट जो होगा वो क्या होगा, 6 होगा। फिर से एक बार देखें, 4 है तो 4 के लिए क्या लेंगे, 40 लेंगे, 40 का वर्गमूल निकालेंगे तो भाग किससे लगाएंगे, 6 से निकालेंगे, यानी इसके आंसर में पॉइंट के बाद पहला डिजिट क्या आने वाला है, 6 आने वाला है। तो वहाँ से आप आंसर सेलेक्ट करके लिख सकते हैं अपने ऑप्शन से। हम आपको निकालने का विधि देखिए बता रहे हैं, उस पर काम आप कर सकते हैं इजीली, लेकिन इस तरीके से मौखिक अगर वो चीज़ ध्यान में रखते हैं तो वक्त आपको नहीं लगेगा, क्वेश्चन को जल्दी आप ऑप्शन से सेलेक्ट करके उस आंसर को और आगे बढ़ सकते हैं, जल्दी काम कर सकते हैं, समय अपना बचा सकते हैं। आइए वैसे पॉइंट 4 का भी निकाल के देख लें हम लोग। पॉइंट 4 अगर है, देखिए 0.4 अगर है तो हम लोग यहाँ क्या लिख लिए, 0.40, और तब इसके लिए क्या लिखे हम लोग, 40 और बटे में क्या कर लिए, 100 का वर्गमूल पता है कितना होता है 10, तो स्क्वायर रूट जो हमको चाहिए वो किसका चाहिए, 40 का चाहिए। 40 का वर्गमूल निकालेंगे, 6 से देख के भाग लगाएंगे, यहाँ 36 आ जाएगा, यहाँ फिर 4 हो जाएगा, फिर आपको यहाँ 6 तो लिख लिए, फिर यहाँ पॉइंट करेंगे, पॉइंट के बदले डबल डिजिट आता है, पिछले क्लास में काम सीखे हुए हैं ऐसा, 6 और 6 देखिए 12 हो जाएगा। यहाँ से अगर भाग लगाया जाए तो हम लोग कितना से लगा सकते हैं, 3 से भाग लगा सकते हैं तो 6.3, और प्रक्रिया आगे बढ़ाना चाहें तो आप आगे बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ देखिए हम लोगों का 6.3 है, तो डेसिमल के बाद 2 अंक तक का अगर आंसर इसका देखा जाए तो कितना हो जाएगा, 0.63। आ जाए उसी प्रकार यहाँ देखिए 0.196 है, यहाँ कितना डिजिट है, 4 डिजिट। अब डायरेक्ट काम करना सीखें, 1-2 स्टेप तो केवल समझने के लिए यहाँ लिखाया गया है। अब अगर हम लोग देखें यहाँ तो इस रूप से हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ डेसिमल के बाद अगर देखा जाए तो कितने अंक हैं, 3 अंक हैं, यही काम कर लेते हैं हम लोग, 4 अंक बना लेना है तो कितना हो जाएगा, 1960। और नीचे अगर देखें यहाँ 0.1960 था, वो समझने का चीज़ है, वो स्टेप बारी बारी से लिखने का जरूरत है नहीं, वैसे लिखने का यहाँ देखिए हम स्टेप आपको लिखे हुए हैं। अब बटे में यहाँ अगर करेंगे तो ये देखिए अगर 0.1960 है तो यहाँ 0 कितना आएगा, 4 जीरो आ जाएंगे, इसका वर्गमूल निकालना है, तो इसका जब वर्गमूल निकालना है ऐसे आप इसको लिख सकते हैं। तो मेन काम देखना है कि इसका, तो यहाँ देखें तो ये वर्गमूल कितना हो गया, 100, 0 आपका यहाँ पेयर में है, 4 जीरो है तो उसके बदले 2 जीरो बाहर आएगा।
यहाँ हम लोगों को मेन जो काम करना है वो स्क्वायर रूट चाहिए किसका, 1960 का, 1960 का। तो अगर 1960 का आप वर्गमूल निकालेंगे, आ जाइए यहाँ निकाल के देखें हम लोग, 1960, इसका वर्गमूल निकालना है। डेसिमल के बाद एक दो अंक तक काम करना है। वर्गमूल के लिए सबसे पहले राइट साइड से पेयर लगाते हैं, और यहाँ अगर देखा जाए तो किससे भाग लगाएंगे, चार से आप भाग लगा सकते हैं। देखिए 16 हो जाएगा, 3 बच जाएगा, यहाँ 60 आ जाएगा, यहाँ 4 लिख लेंगे, 4 8 हो जाएगा। फिर अगर देखें तो आप 4 से भाग लगा सकते हैं, 16 हो गया, देखिए रेस्ट 1 हो गया, 32 और 1 33 हो जाएगा यहाँ से। और इसको आप घटाते हैं तो यहाँ फिर 4 हो जाता है, 5 में 3 घटाते हैं 2 हो जाता है। फिर अगर आप देखें तो पॉइंट, अगर 2 अंक तक देखा जाए तो काम यहीं से हो गया, 44/100 कर लेते हैं, आंसर हमारा 0.44 हो जाता, काम तो यहाँ से कर सकते हैं, 2 अंक तक करना है तो हो गया। अगर 3 अंकों तक जाना है सपोज करें तो फिर पॉइंट डाले तो यहाँ देखिए 00 आ जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो यहाँ भी 8 है और यहाँ भी 8 हो जाएगा। अब अगर यहाँ हम लोग भाग लगाएं तो फिर कितना से लग सकता है, 2 से लग सकता है, 3 से करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। तो अगर 2 से लगाएंगे देखिए क्या क्या हुआ, 44.2 आएगा। तो यहाँ हम लोगों का क्या लिखाएगा, 44.2। और तब अगर इसका आंसर देखा जाए, नीचे 1 पर कितना 0 है, 00 है, तो हम लोग क्या करेंगे, 2 अंक डेसिमल को लेफ्ट कर देंगे। और अगर 2 अंक लेफ्ट कर देंगे तो बताएं क्या आंसर हम लोगों का होगा, 0.442। ये आपका आंसर अप्रॉक्स में हो गया। इसके बाद 4 अंक तक काम करना हो तो और आगे बढ़ेंगे, इस प्रक्रिया को आप आगे बढ़ाते रहेंगे। तो जब डेसिमल के बाद 3 अंक रहेगा, 5 अंक रहेगा, 7 अंक रहेगा, तो इस रूप से ही उसका काम किया जाएगा। तो ये हुआ दशमलव संख्याओं के वर्गमूल का। 2 टाइप आपने सीखा, जब दशमलव के बाद सम अंक हो, अंकों की संख्या सम में हो, और दूसरा आज हम लोग सीखे जब दशमलव के बाद अंकों की संख्या विषम में हो। आज एक नया टॉपिक अब सीखते हैं स्क्वायर रूट में, जो खास करके एसएससी एग्जामिनेशन के लिए, मैनेजमेंट एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एसएससी बेस्ड जो भी एग्जामिनेशन होता है सारे के लिए इंपॉर्टेंट बनता है। इसमें एक स्पेशल हेडिंग देखिए यहाँ लिखा हुआ है, अपरिमेय पदों वाली संख्या का वर्गमूल। यानी ये क्वेश्चन आपको डायरेक्ट इस रूप में भी बहुतों जगह मिलेगा, नहीं तो इसका यूज क्वेश्चन में कहीं न कहीं करके क्वेश्चन को एराइज किया जाता है, पूछा जाता है। तो ऐसी संख्याओं का स्क्वायर रूट हम कैसे निकालते हैं, आज उस पर मेन हम लोगों का चर्चा होगा। आज उन चीज़ों को सीखेंगे कि क्वेश्चन को देखते ही उसका आंसर कैसे लिखा जा सकता है। लेकिन एक क्वेश्चन आपको पहले हम डिटेल बताएंगे, उसके बाद सबको जल्दी आपको तोड़ के केवल मौखिक बताएंगे ताकि आप क्वेश्चन को देख के भी आंसर कर सकते हैं। लेकिन स्टेप पहले समझें इसका। यहाँ देखें, जैसे पहला क्वेश्चन था अंडर रूट, और क्या लिखा हुआ, 7+4√3 ऐसा है आपको दिया हुआ है। यहाँ इसको ये अपरिमेय पद ऐसा हेडिंग क्यों बनाया गया, क्योंकि ये देखें कि इसमें जो एक टर्म, इसमें 2 टर्म आपका है इस एक्सप्रेशन में, व्यंजक में 7 है, 4√3 है, बीच में प्लस का साइन है। तो 2 पद अगर है तो उसमें एक पद जो है 4√3, तो √3 हम लोगों का अपरिमेय संख्या है, इसलिए इसका नाम दे दिया गया अपरिमेय पदों की संख्या का वर्गमूल। अब इसके लिए काम ये सीखना है कि इसका अगर वर्गमूल चाहिए तो ये हमेशा ध्यान में रखें कि इस रूट के अंदर या तो लिखा हुआ a प्लस बी का होल स्क्वायर, या तो लिखा हुआ a माइनस बी का होल स्क्वायर। जैसे ही बीच में यहाँ प्लस साइन आया तो ये डिफिनिट मान लें आप कि इसके अंदर में या तो लिखा हुआ a प्लस बी का होल स्क्वायर, या लिखा हुआ a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये कन्फर्म आप माने। साथ ही साथ आप ये भी देख सकते हैं बीच में साइन कैसा, प्लस का। तो अगर प्लस का है यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर है, और वही a प्लस बी की पहचान हमको करनी है कि a का वैल्यू क्या होगा और b का वैल्यू क्या होगा, यही पहचानना है आपको। आ जाए, और इसके लिए आपको याद है होगा सभी लोगों को कि a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी के होल स्क्वायर में टर्म कौन सा यूज होता है। इसको देखिए फार्मूला को हम यहाँ लिख भी देते हैं पहले समझने के लिए। a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर लें तो ये देखिए हम लोगों का होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ओरिजिनल में जो आप यहाँ देखते हैं ये इंटीजर पार्ट है, वो पार्ट है किसका, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का। और ये जो रूट वाला अपरिमेय वाला पार्ट है वो पार्ट किसका है, 2ab का। 2ab का पार्ट ही कौन है, हमारा रूट वाला टर्म, रूट वाला टर्म जो भी लिखा हुआ है वो हमारा क्या है, 2ab है। और काम की शुरुआत आपको हमेशा वहीं से करनी है,
यानी अपरिमेय पद की संख्या का जब भी आप वर्गमूल निकालते हैं तो सबसे पहला काम आपका होगा कि जो रूट वाला डाटा है उसको ऑलवेज मान लें 2ab। अब इस क्वेश्चन से अगर हम शुरुआत करें तो 2ab इज इक्वल टू, देखिए क्या लिख सकते हैं, 4√3। 2ab इज इक्वल टू क्या लिख लिए, 4√3। और तब यहाँ से a इंटू बी का वैल्यू हम लोगों का देखें कितना आ जाएगा, 2√3। अब इसको दो ऐसे पार्ट में आपको बांटना है जिसका स्क्वायर करने पर 7 के बराबर हो जाए। यहाँ ढेरों कंडीशन है, जैसे आप देखें इसका तो 2√3 × 1 भी लिख सकते हैं हम लोग। ये अगर a का मान हो गया, ये b का मान हो गया, वो प्रैक्टिस करेंगे तो केवल देख के आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। फिर अगर देखें तो 2√3 भी हो गए। तो ये काम करते जाना है और इसका स्क्वायर भी करके चेक करते जाना है। जैसे पहला देखिए 2√3 था, अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 है, √3 का स्क्वायर 3 है, 4 × 3 = 12 है, 12 और 1 क्या होगा, 13 हो जाएगा, 13 हो जाएगा। जबकि यहाँ 13 नहीं, यहाँ 7 लिखा हुआ है, इसलिए इसको नहीं लिया जाएगा। उसी प्रकार अगर हम लोग देखें तो यहाँ हम लोग दूसरे में चलें तो 2 का स्क्वायर अगर कीजिएगा तो 2 का स्क्वायर 4 होगा, √3 का स्क्वायर यहाँ समझने के लिए देखिए लिख भी देते हैं, 2 का स्क्वायर + √3 का स्क्वायर अगर करते हैं तो ये रिजल्ट हमको कितना देता है, 7 देता है, 4 + 3 कितना होगा, 7 होगा। और यहाँ भी क्या लिखा हुआ है, 7 लिखा हुआ है। यानी a का मान देखिए हो गया 2 और b का मान हो गया √3। क्वेश्चन एग्जाम में बनाते वक्त केवल ये देखना है, यहाँ तो हम एक क्वेश्चन में आपको डिटेल भी लिख देंगे लेकिन आपको केवल इतना ही काम करना था, a का मान 2 है और b का मान √3 है, a का मान 2 b का मान √3, बस केवल साइन देख लें, साइन क्या लिखा हुआ है प्लस, तो आंसर लिख देना है a + b। यानी इसका आंसर अगर हम लिखते हैं तो आंसर क्या हो जाता है हम लोगों का, 2 + √3। तो सारे क्वेश्चन इसके बाद के जो भी क्वेश्चन है वो डायरेक्ट आपको बताएंगे लेकिन एक क्वेश्चन में डिटेल यहाँ हम आपको कर देते हैं कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है, कहाँ से हम डायरेक्ट ऐसा आंसर लिख देते हैं। तो इसके लिए भी इसको तोड़ने का जो ये तरीका है आपको बतलाए, यहाँ तक का तो काम आपको ध्यान में रखना ही है कि ये जो हम लोगों का था, यहाँ हम लोग जो काम कर रहे थे कि 2√3 × 1 किए थे और दूसरा जो लिए थे 2√3 और हमको 7 आया था इससे। तो यहाँ से बस ये सोचना है हम लोगों को कि ये जो हम लोग इसका स्क्वायर कर रहे हैं, 2 का स्क्वायर कितना हो रहा है, 4 हो रहा है, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, और √3 का अगर स्क्वायर करते हैं तो ये कितना होता है, 3। तो यही 4 और 3 में इसको देखिए बांट लेते हैं, 7 के बदले हम लिख सकते हैं 4 और + 3 प्लस, और इसके बदले देखिए लिख सकते हैं 2 × 2 × √3। यही इसका जनरल कॉन्सेप्ट हो गया। अब इसके लिए अगर देखें तो 4 के लिए क्या लिखाएगा, यहाँ 2 का स्क्वायर + 3 के लिए क्या लिखाएगा, √3 का स्क्वायर और प्लस, और क्या लिखेंगे, 2 × 2 × √3। और तब यहाँ फार्मूला अगर आप देखें तो क्या लिखा हुआ, a² + b² + 2ab, और इसके लिए आपका क्या फार्मूला हो जाएगा, a + b² होल स्क्वायर। और ये आपको पता है कि स्क्वायर भी है रूट भी, अंदर में 2 बार लिखा हुआ है, रूट का साइन है तो क्या होगा, समाप्त हो जाएगा, 1 समाप्त हो जाएगा, 1 बच जाएगा, यानी 2 के बदले 1 बाहर निकाल लेंगे। तो बाहर निकालेंगे तो आंसर देखिए हम लोगों का आ गया 2 + √3। ये इसका स्टेप वाइज क्वेश्चन को बनाना हुआ, लेकिन आपको बताया कि उतना काम नहीं करना है, काम हमको केवल करना है ए और बी के पहचान करने का। यहाँ जैसे ही पहचान है, ए का वैल्यू 2 है और बी का वैल्यू √3 है और साइन प्लस है, तो आंसर हमको लिख देना था a + b, यानी 2 + √3, बस केवल इतना करना है। तो अब सारे क्वेश्चन को हम केवल तोड़ के और आंसर लिखते चलेंगे। आइए अगला क्वेश्चन अब देखें, अगला क्वेश्चन अगर देखा जाए तो दूसरा क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा हुआ है हम लोगों का, दूसरा क्वेश्चन में लिखा हुआ है 7 + √10। सबसे पहला काम क्या करना है, रूट वाले को 2ab मान लेना है, तो 2ab बराबर अगर देखें तो क्या लिख लेंगे हम लोग, 2√10। 2 और 2 को आपस में कैंसिल कर लें, ab बराबर क्या हो जाएगा, √10। √10 को अगर बांटें, बस इस रूप से बांट सकते हैं आप, क्या क्या लिख सकते हैं इसके लिए, √10 × 1 भी लिखा जा सकता है, लेकिन इसका स्क्वायर कितना होगा, 10, और इसका कितना होगा, 1। 10 और 1 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 11 आएगा, जबकि यहाँ जो हम लोग देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है, 7, यानी वो उसका आंसर नहीं हो सकता, हमको क्या लाना है, 7 लाना है।
तब इसका दूसरा फैक्टर करें आप और क्या ले सकते हैं इसके लिए, रूट फाइव और इंटू रूट टू। बताएं रूट फाइव का स्क्वायर क्या होगा, पाँच, रूट दो का स्क्वायर क्या होगा, दो, पाँच और दो को जोड़ेंगे क्या आएगा, सात, सेवन आ जाएगा। केवल ये देख लेना है प्लस साइन है या माइनस, प्लस, प्लस है तो प्लस साइन के साथ आंसर लिखेंगे, माइनस है तो माइनस साइन के साथ आंसर लिखेंगे। तो रूट फाइव इंटू रूट टू इसका अगर आंसर हम लोग लिखेंगे तो बताएं क्या लिख लेंगे, रूट फाइव प्लस रूट टू। वही अगर यहाँ माइनस रहता तो आंसर क्या होता, रूट फाइव माइनस रूट टू। काम तो बस इतने जल्दी कर सकते हैं आप, इतना आसान तरीके से कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन में फिर देखें क्या लिखा हुआ है, अंडर रूट 84 ए बी, टू ए बी हमेशा रूट वाले टर्म को, टेक्निक बस एक ही हो गया कि टू ये रूट वाले टर्म को ऑलवेज क्या मान लेना है, टू ए बी। तो टू ए बी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, अंडर रूट 84, या इसी को अगर चाहें तो टू ए बी बराबर 84 अगर है तो 21 इंटू 4 है, 4 के बदले बाहर क्या निकलेगा, 2, और यहाँ क्या रह जाएगा, 21। दो और दो आपस में कैंसिल हो गया, ए बी बराबर रूट 21 है। अब आप डायरेक्ट भी काम कर सकते हैं, जैसे ही 10 है तो पता है 7 × 3 = 10 होता है, 7 × 21 होता है, यानी डायरेक्ट बांट लें, रूट 7 और इंटू रूट 3। इसका स्क्वायर कितना होगा, 7, इसका स्क्वायर कितना होगा, 3, 7 और 3 को जोड़ देंगे क्या होगा, 10। यहाँ भी देखिए क्या लिखा हुआ है, 10 मैच हो गया, आंसर लिख देना है, केवल साइन देख लेना है, साइन कैसा है प्लस का, तो प्लस का अगर साइन है तो इसका आंसर अगर हम लोग लिखेंगे तो आंसर क्या लिख लेंगे हम लोग, रूट 7 प्लस रूट 3। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। और दो तीन क्वेश्चन हम लोग इसी प्रकार से देख लेते हैं अगले क्वेश्चन में। जैसे चले यहाँ देखिए, रूट वाले टर्म को क्या मानना है, 2ab, यही तो मेन काम है। अब और थोड़ा सा मौखिक काम हम करें, कोई भी एग्जामिनेशन में समय की बचत होता है जब आप कोई चीज़ डायरेक्ट सोच लेते हैं, सोचने में वक्त लगता है। अगर आपको ये सोचना पड़े अब क्या करें, अब क्या करें, इसके बाद का स्टेप क्या होगा, तो वक्त लगता है। अगर दिमाग में वो सारा चीज़ बैठा हुआ है, सब कुछ का हम लोग जानते हैं कि इसके बाद ये स्टेप होता है, ये स्टेप होता है, तो 2-3 स्टेप आप जंप कर सकते हैं, वहाँ से आप अपना टाइम बचा सकते हैं। हमको पता है कि 2ab = 4√10 करना, तो 2 से इसको कैंसिल कर दें, 2 से अगर कैंसिल कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2, 2 से ये कटेगा 2 बार में, साथ ही साथ क्या हो जाएगा, √10, ऐसा लिखा जा सकता है। ये इसी को अगर अंदर कर दें, अगर दो पार्ट है और इसमें ज़्यादा समस्या, तो इसको अंदर अगर कर देंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, 40। 2 अगर अंदर जाएगा, 4 के बदले बाहर निकल के 2 होता है, तो 2 को अगर अंदर डाल देंगे 2 का स्क्वायर यानी 4 पहुंचेगा, और पहले से 10 है तो 10 × 4 करेंगे 40 हो जाएगा, 40 हो जाएगा। इसका बंटवारा अब देखिए आप आसानी से कर सकते हैं, यहाँ देखें क्या लिखा हुआ है, 13। तो इसका अगर फैक्टर करेंगे तो क्या क्या लिख सकते हैं आप, √8 × √5, ऐसा लिख सकते हैं, √8 × 5, 8×5 = 40 हो गया, √8 का स्क्वायर कितना होगा, 8 होगा, √5 का स्क्वायर कितना होगा, 5 होगा, 8 + 5 करेंगे क्या होगा, 13 होगा। क्या लिखा हुआ है यहाँ, 13 लिखा हुआ, जैसे ही मैच किया तो आंसर लिखना है। केवल एक चीज़ ध्यान रखना है, साइन देख लेना है। इस क्वेश्चन में देखें कैसा साइन है, माइनस का, तो माइनस साइन लगा दिए, यानी आंसर जो हम लोग लिखेंगे √8 − √5, आंसर ये लिख ली। और थोड़ा मान लीजिए आप चाहें कि इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करें, या आप √8 − √5 निकाले, आपको आंसर दिख ही नहीं रहा वैसा, तो ये केवल देख लें, इसी को करते तो 4 के बदले 2 बाहर निकालते, तो इसी को हम इस तरीके से भी लिख सकते थे, 2√2 − √5, वो तो आप आसानी से कर ही सकते हैं। चलें फिर अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। बस एक ही चीज़ यहाँ आपको सिखा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताए आपको, खास करके SSC बेस्ड जितना भी एग्जामिनेशन होता है, सारे एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है, और अक्सर आपको क्वेश्चन मिलेगा, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखते अगर आप हैं। क्या करना है हम लोगों को, √140 को 2ab मान लेना है, तो 2ab बराबर अगर √140 कर लेंगे हम लोग, तो ab बराबर अगर देखें तो यहाँ क्या है, 35 × 4, तो 4 के बदले 2 बाहर आएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ab = क्या आ जाएगा, √35, और इसको अगर बांटे तो किस में बांटेंगे, √7 × √5, बस ये बंटवारा करना है। अब इसका स्क्वायर 7 हुआ, इसका स्क्वायर 5 हुआ, 7 + 5 जोड़े तो 12 हो गया, इतना ही तो काम था। साइन देख लेना है, साइन कैसा आ गया, प्लस का आ गया, प्लस का साइन है, तो इसका अगर आंसर लिखते तो बताइए क्या लिख लेते हम लोग, √7 + √5।
अगर वही माइनस रहता तो वहाँ माइनस लिख लेते हैं, आंसर क्या होता है, रूट सेवन माइनस रूट फाइव, लेकिन अभी आंसर रूट सेवन प्लस रूट फाइव। चलें एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। अब यहाँ आपको बताए कि टू ए बी हमेशा मान लेना है, लेकिन यहाँ देखें टू टू आपस में कैंसिल होता था और यहाँ आपका क्या लिखा हुआ है रूट ट्वेंटी वन, इसमें आप दो लिखा हुआ नहीं देख पा रहे हैं। अभी तक जो भी क्वेश्चन था सब में दो छुपा हुआ रहता था, लेकिन इस क्वेश्चन में देखें तो दो छुपा हुआ नहीं है। जैसे ही ऐसा कोई क्वेश्चन पे आपको नज़र पड़ा जिसमें रूट वाला टर्म इरेशनल नंबर जो है उसके साथ दो नहीं लिखा हुआ है, तो पहला काम दो वहाँ पहुँचा देना है। दो पहुँचाने के लिए क्या करेंगे, देखिए रूट टू से अगर हम यहाँ चाहें तो गुणा भाग कर सकते हैं, तो ये वन बाई रूट टू हो गया, और इस दो को अगर अंदर पहुँचा देंगे तो यहाँ दस हो जाएगा, अब प्लस यहाँ टू रूट इक्कीस हो जाएगा। ये काम कर लीजिए तो काम ज़्यादा आसान है, आप फैक्टर करके भी कर सकते थे लेकिन इस तरीके से काम ज़्यादा आसान होगा। अब इसको केवल करें तो ये वन बाय रूट टू है, इसका कैलकुलेशन आप सीखे थे। टू ए बी बराबर हम लोग यहाँ देखिए लेते हैं, तो टू ए बी बराबर क्या लिखते हैं, टू रूट ट्वेंटी वन लिखते हैं, दो से दो कैंसिल हो जाता है, इसको बांट सकते थे रूट सेवन इंटू रूट थ्री, इसका स्क्वायर सात होता है, इसका स्क्वायर तीन होता, सात और तीन को ऐड करते तो देखिए क्या आ जाता, दस आ जाता, तो दस आ जाता, दस तो लिखा हुआ ही है, कोई समस्या ही नहीं है, केवल यहाँ साइन देख लेना, ये प्लस का था, यानी इसका अगर वर्गमूल निकालें तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, रूट सेवन प्लस रूट थ्री, और तब अगर देखा जाए तो इसको इस तरीके से लिखिए, चाहे इसी को आप इस तरीके से भी ऐसा भी लिख सकते हैं, तो जैसा ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा उस रूप से काम करेंगे। तो ये आज हम लोगों ने सीखा कि अपरिमेय पदों की संख्या का स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाता है, और अगले क्लास में हम लोग फिर देखेंगे वर्गमूल को और जल्दी कैसे निकाला जाता है, साथ ही साथ फार्मूला बेस्ड जो क्वेश्चन होता है उस पर कैसे काम करते हैं, तो भिन्न भिन्न टाइप के फार्मूला को अगले क्लास में सीखेंगे, स्क्वायर रूट के फार्मूला को देखेंगे, और उससे रिलेटेड एग्जामिनेशन में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है उस टाइप पे हम लोग कल अगले क्लास में काम करेंगे। धन्यवाद।